नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज के इस नई वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2021 बोर्ड के लिए इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो मैं वादा करूंगा कि आप इंग्लिश के पेपर में आपका काफ़ी अच्छा स्कोर प्राप्त करोगे ठीक है तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे वीडियो का पार्ट वन रहेगा अगर आप इस वीडियो को काफ़ी अच्छा सपोर्ट और प्यार दोगे तो इसका पार्ट टू तो जल्द ही अपलोड होगा ठीक है तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्लास टेंथ के इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ठीक है पार्ट टू देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों यहाँ पर जो हम क्वेश्चनों की बात करेंगे लॉन्ग टाइप रहेंगे और यहाँ पर जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट ठीक है सबसे पहला लेसन आपको पता है अ लेटर टू गॉड इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं मैं केवल आपको क्वेश्चन बताऊंगा इनका मतलब नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ठीक है तो केवल मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप अच्छे से देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो इन यूर ओन वर्ड ठीक है ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो इन यूर ओन वर्ड्स क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं वाई डज लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड वट डज ही एक्सपीरियंस एक बार फिर से पढ़ देता हूँ वाई डज लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड वट डज ही एक्सपीरियंस लेसन नंबर टू की ओर बढ़ते हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ठीक है सभी लोग आप चैप्टर के नाम से वाकिफ़ हैं लेसन के नाम से वाकिफ़ हैं तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं पहला क्वेश्चन व्हाट डज़ नेल्सन मंडेला सी अबाउट करेज सेक्रीफाइड सेक्रीफाइस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ठीक है अच्छे से देख लिया आप वीडियो पॉज करके स्क्रीन भी ले सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हाउ डिड मंडेलाज हंगर्स फॉर फ्रीडम चेंज हिज़ लाइफ ठीक है हाउ डिड मंडेलाज हंगर्स फॉर फ्रीडम चेंज हिज़ लाइफ क्वेश्चन नंबर तीन व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सी अबाउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका ठीक है तो देख आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन क्वेश्चनों का आप ज़रूर याद करेंगे क्योंकि इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं ठीक है अगला जो लेसन है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक दैट यंग सैगल्स मेडियन फ्लाइट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर फ्यूड ठीक है देख लिया यही क्वेश्चन अथवा में आपको देखिए किस प्रकार से पूछा जा सकता है वाई वॉज़ द सेगल्स अफ्रेड टू फ्लाई हाउ डिड ही कनक्योअर हिज फियर ठीक है अब यही क्वेश्चन देखिए कि इसको अथवा में कैसे पूछा जा सकता है हाउ डिड द साइकल्स ओवरकम हिस्स फियर ऑफ फ्लाइंग यानी कि ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे है परंतु इनको अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है ठीक है अगले लेसन की ओर बढ़ते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंक ठीक है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर देख लेते हैं दोस्तों ड्रॉ अ कैरेक्टर ऑफ एनी फ्रेंक एनी फ्रेंक ड्रॉ अ कैरेक्टर ऑफ एनी फ्रेंक ठीक है अगला क्वेश्चन वाई डज एनी नीड गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली डज सी ट्रीट किटी एज एन इन साइड इनसाइडर और एन ठीक है अगला क्वेश्चन है was वज़ teacher टीचर with विद हर हाउ she सी एबल टू ब्रिंग a अ चेंज इन दिस एटीट्यूड her? हर यही क्वेश्चन आपको अथवा में इसी प्रकार से पूछा जा सकता है हाउ डिड एनी आउट डिड मिस्टर किसिंग ठीक है

वॉज यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है वट वॉज द इफेक्ट्स ऑफ द लेटर ऑफ ऑफ वांडर्स फादर ऑन मिस मैसोन हाउ डिड मैडी रिएक्ट टू इट तो आपने एक क्वेश्चन देखे अच्छे से अगले लेशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों ग्लम्पसेस ऑफ इंडिया क्वेश्चन डिस्क्राइब अ ट्रेडिशनल गोन ब्लेज बेकर ठीक है डिस्क्राइब अ ट्रेडिशनल गोन ब्लेज बेकर अगला क्वेश्चन वट इज द स्टोरी अबाउट द ऑरिजिन ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग अब है अगला चैप्टर मैडम राइड्स द बस क्वेश्चन देख लीजिए व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2021 बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाइएगा ज़रूर याद करके जाइएगा तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इसका पार्ट टू देखने के लिए दोस्तों पार्ट टू देखने अगर आप इसका पार्ट टू देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इसका पार्ट टू देखना चाहते हैं तो मैं इसका पार्ट टू जल्द ही अपलोड करूँगा ठीक है मैं इस इस जो सारे क्वेश्चन हैं इनकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से वहाँ से आप देख सकते हैं कि इस कौन कौन से क्वेश्चन हैं ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग